हाय गाइस, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। तो यार मैं सोच कर रखा था जिस दिन मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स होंगे मैं अपने सारे यूट्यूबर फ्रेंड्स के साथ क्यू एंड ए सेशन करूंगा। तो ये एक वीडियो आप सबके लिए डेडिकेटेड है। अगर आप सबका साथ मेरे साथ नहीं रहता तो मैं 10,000 कभी क्रॉस नहीं कर पाता। आप सबने मुझे टाइम भी नहीं दिया यार। मैं सोचा था 10,000 का जब माइलस्टोन होगा आराम से 6-7 दिन एडिट करने के लिए लूंगा। जब तक एडिट करने लिए आप सबने मुझे 13,500 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दिया है। सो थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मल इंट्रोडक्शन फ्रॉम माय साइड एज टू हु आर गोइंग टू फीचर ऑन दिस वीडियो गोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले द इंस्पिरेशन बिहाइंड माय यूट्यूब करियर, ओके, दिस गाइस आयुष राठी। ओके, मैं जब फर्स्ट ईयर में एंटर किया था मेरे कॉलेज के, मुझे ये भी नहीं पता यूट्यूब में कमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। जब मैं इस बंदे से मिला मेरे कॉलेज के सेकंड सेमेस्टर के एंडिंग में, तो मुझे समझ में आया बंदा कितना हार्डवर्क करता है अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, कितना ज्यादा इसको भूख है अच्छा कॉन्टेंट यूट्यूब में डालने के लिए। सो ही इज द रियल मोटिवेशन बिहाइंड मी स्टार्टिंग दिस जर्नी। ही इज राइट नाउ एट 49.5K सब्सक्राइबर्स। प्लीज हेल्प हिम टू रीच 50K एज सून एज पॉसिबल। ओके, इसके बाद बात करेंगे हम स्कंदा प्रसाद। ही इज ऑल्सो वन ऑफ द गाइस हु एडवाइजर्स आयुष राठी। ओके, मेरी स्कंदा से बात हो रही है आई थिंक लास्ट 1.5 साल से, एंड ही इज ऑल्सो हैक ऑफ अ गाय, वेरी इंस्पिरेशनल एंड वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। And if you want any content related to KCET or comedy, he is the person you should contact. इसके बाद हम बात करने वाले हैं हरमन के बारे में। हरमन यार, मैंने इसके साथ कोलैबोरेशन की थी Why Not to Join एनआईटी त्रिची को लेकर, उसमें आई थिंक अभी 9,500 व्यूज है एंड बहुत ही अच्छी वीडियो बनी थी यार। बट हरमन इज ऑल्सो वेरी बडिंग यूट्यूबर। 6.5K सब्सक्राइबर्स कल ही रात को भाई के खत्म हुए हैं एंड प्लीज डू सपोर्ट हिम यू आर सक्सेस इन्फिनिटी। बहुत से लोग जानते हैं अंबुज को एंड मैं उसको करीबन 1 साल से जानता हूं। जब हम सेम कॉन्टेंट डालते थे बिट्स के लिए, वही तभी से हमारे नंबर शेयर हुआ, बात करना चालू हुआ एंड ही इज ऑल्सो अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन हु इज गिविंग यू द बेस्ट कॉन्टेंट फॉर बिट्स एट एंड बिट्स पिलान। ओके, इसके बाद हम बात करने वाले हैं कॉलेज ऑप्शन के बारे में। कॉलेज ऑप्शन में टू वेरी बहुत ही नॉलेजेबल भैया है, विशाल भैया और सूरज भैया, एंड मेरे को जब भी जरूरत पड़ी है दीज गाइज हैव ऑलवेज बीन विथ मी। ओके, सो थैंक यू टू दीज गाइज ऑल्सो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कृति शर्मा द लेडी धतरवाल, समवन विद 80,000 सब्सक्राइबर्स, स्टिल एक 10,000 वाली वीडियो में आना है एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, मैं रिसेंटली कृति से मिला, उसने मेरी कॉन्टेंट की बहुत तारीफ की थी, मैंने भी उसे कॉन्टेंट देखा, मुझे बहुत पसंद आया एंड प्लीज डू सपोर्ट हर टू गेट द सिल्वर प्ले बटन वेरी सून। ऑल राइट, तो यार सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन अरिंदम रॉय चौधरी को फॉर कंप्लीटिंग 10K सब्सक्राइबर्स। पूरी की पूरी AR स्क्वाड फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है ना सारे लोगों को, जिन भी लोगों ने अरिंदम को सब्सक्राइब किया है, इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है इन दिनों में, उन सबको बहुत बहुत सल्यूट है मेरे तरफ से। और इसी तरीके से मैं बोलूँगा कि सब लोग इसी तरीके से अरिंदम को सपोर्ट करते जाना और अरिंदम भाई आप भी इस तरीके से मेहनत करते जाना ताकि आप और आगे जल्दी पहुँच पाओ और 100K 1 मिलियन बहुत जल्दी क्रॉस कर पाओ। तो इस वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, क्योंकि और भी लोगों को इस वीडियो का पार्ट होना है, तो मैं इसको फटाफट से जो मेरे को क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन है ब्रीफ इंट्रोडक्शन, 7 क्वेश्चन अरिंदम ने मेरे से पूछे हैं। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरे बारे में, मैं आयुष राठी हूँ, मेरा नाम आयुष राठी है ना, अरिंदम के साथ ही मैं NIT त्रिची में पढ़ता था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फोटो, ठीक है। तो फिलहाल मैं अनअकैडमी प्लस पे एजुकेटर हूँ और मेरा खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है AR स्क्वाड नाम से, एंड बाकी तो बस यही बात है। हेलो गाइस, माय नेम इज हरमन सिंह, आई एम फ्रॉम द चैनल बीइंग ट्रिपल ITN। सबसे पहले तो यार मैं कॉन्ग्रेट्स बोलना चाहता हूँ अरिंदम भाई को फॉर सरपासिंग 10,000 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। कोई छोटा मार्क नहीं होता, बहुत बड़ा मार्क होता है यार। अभी कुछ टाइम पहले हमने कोलैब किया था और उसके अंदर भाई के तब 3,500 सब्सक्राइबर्स थे। तो यार जो सपोर्ट तुम दिखा रहे हो इसे कंटिन्यू रखो और भाई भी अच्छी वीडियोस हमेशा लाते रहेंगे। हेलो एवरीवन ऑन ARC कम्युनिटी, सो आई एम स्कंदा प्रसाद, करंटली परस्यूइंग engineering, that is in electronics and communication engineering from NI Mysore, that is National Institute of Engineering, presently in second year. So first and foremost, a very hearty congratulations to Arindam for reaching 10K subscribers. So that's a really great achievement and hearty congratulations to you. Namaste dosto, main hu Ambur Saxena aur yaar main abhi Bits Pilani mein second year student hu. Bits Pilani Pilani campus se main electrical and electronics engineering pursue kar raha hu और मेरा YouTube चैनल भी है विद द नेम ऑफ सक्सेस इन्फिनिटी, जहाँ पर मैं बिटसेट से रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ। कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या एग्जाम स्ट्रेटेजी रखनी है, कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है, बेसिकली एवरीथिंग अबाउट बिटसेट एंड बिट्स पिलानी। So hello everyone, this is Kriti Sharma. I run an educational channel with name Creative Learning. I teach 11th and 12th class students there. And before starting, I just want to congratulate Arindam
फॉर सच एन अमेजिंग सक्सेस इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. कीप गोइंग बॉय, गॉड ब्लेस यू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अरिंदम कांग्रेस फॉर 10K सब्सक्राइबर, क्योंकि बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है 10K होना और इससे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है. और मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट ईयर तक तुम्हें 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, तुम्हारे 100K सब्सक्राइबर हो जाए. तो यार मेरा नाम सूरज कुमार है और मैं IIIT दिल्ली का 4th ईयर का ECE स्टूडेंट हूँ और मुझे कॉलेज ऑप्शन यूट्यूब चैनल पे मैं वीडियो बनाता हूँ जिसमें हम लोग कॉलेज के रिलेटेड जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, उसका रिव्यू करते हैं और साथ ही साथ JEE मेन BITSET VIDO जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनकी प्रिपरेशन के ऊपर वीडियो बनाते हैं. कांग्रेचुलेशन अरिंदम कि तुम्हारे 10,000 सब्सक्राइबर पहुंच गए. और किसी भी यूट्यूबर के लिए यार 10,000 सब्सक्राइबर जो पहला जो चीज होती है ना, अचीवमेंट जो होती है 10,000 सब्सक्राइबर्स की, बहुत अपने आप में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है. आई एम विशाल, अ फाइनल ईयर स्टूडेंट इन DTU एंड मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है कॉलेज ऑप्शन. व्हाट वाज योर मोटिव बिहाइंड योर यूट्यूब चैनल? मोटिव मेरे पास में ये था कि मैं क्लास 10th से पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, जब मैं क्लास 10 में तब से पढ़ा रहा हूँ तो जब मैं कॉलेज पहुंचा, त्रिची पहुंचा, NIT त्रिची पहुंचा, तो वहां पर मैंने देखा कि यार पढ़ाने के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज उतनी ज्यादा बची नहीं, क्योंकि ऑफलाइन में मेरा रीजन दूसरा हो गया. कॉलेज जो था वो एकदम मेन सिटी पे नहीं था, सिटी से थोड़ा दूर भी था. तो एक ही तरीका मेरे को दिख रहा था, यूट्यूब. हालांकि मैंने 11th 12th में यूट्यूब पे वीडियोस डाले थे, जैसी जोश जोश में डाले थे कि हाँ भाई थोड़ा फेमस होना है, ठीक है बहुत लोग देखेंगे, ये वाली फीलिंग थी. एक बड़ा टीचर बनना है जिसको लाखों लोग देखे, करोड़ों लोग देखे, ठीक है ये वाली फीलिंग थी. फिर बाद में इसको जब प्रोफेशनली लेना स्टार्ट किया तो रीजन ये था कि और कुछ करने को था नहीं और टीचिंग में इतना ज्यादा पैशन था कि ऑटोमेटिकली दिखा कि यार ये YouTube ही सामने है, YouTube को करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है. ठीक है, तो सीरियसली मैंने इसको कॉलेज में फर्स्ट ईयर से लेना स्टार्ट किया था. सो YouTube चैनल स्टार्ट करने के पीछे यार एक सिंपल सा मोटिवेशन था, मैं पढ़ाई में अच्छी थी. दूसरा चीज़ ये था कि जिस टाइम पे मैं YouTube पे आई थी आज से 2 साल पहले, तो उस टाइम पे गर्ल्स का रेशो 10% भी नहीं था. एजुकेशनल फील्ड पे लड़कियां नहीं थी उस टाइम पे इतनी ज़्यादा. तो मुझे लगा कि आई कैन बी द रिप्रेजेंटेटिव फॉर अदर गर्ल्स एंड आई कैन मोटिवेट अदर गर्ल्स टू डू द सेम एज वेल. सो उस टाइम पे मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एजुकेशन को प्रोवाइड करवा सकूँ. यार अगर मैं तुम सबको बताऊं तो मेरी YouTube की जो इंस्पिरेशन है वो सिंग इन USA है. तो यार मेरा यही कंटेंट है कि मैं कॉलेज लाइफ को दिखाऊं, कॉलेज लाइफ की जो मस्ती है, कॉलेज लाइफ में जो मजा होता है वो सारी चीजें तुम्हारे सामने लेके आऊं. और तो यार YouTube पे मेन आने का हमारा मोटिव क्या था? तो मेरे एक दोस्त था जिसका YouTube चैनल था, तो उसको देखे हमें मोटिवेशन मिली, हमें लगा कि हम भी YouTube पे आके लोगों को कुछ शेयर कर सकते हैं. तो शेयर क्या करते, क्योंकि मैं IIIT दिल्ली में था और मेरे भाई DTU में था, तो हमने सोचा कि जो भी हम लोगों को JEE मेन के टाइम पे प्रॉब्लम आई थी या जोसा वगैरह जैक दिल्ली काउंसलिंग के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आई थी ना, हम उसके ऊपर वीडियो बनाए, लोगों को शेयर करनी चाहिए. और काफ़ी प्राइवेट कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में लोगों को पता नहीं था, तो वो ओपिनियन लोगों को बतानी चाहिए कॉलेज कैसा होता है. तो यही मेन रीजन था कि कॉलेज के ऊपर हम लोग आए, यूट्यूब पे आए, हम लोग कॉलेज के ऊपर वीडियोज बनाए, JEE मेन जोसा वगैरह इन सब के ऊपर वीडियो बनाए और लोगों को गाइड कर सके हम लोग. सो व्हाई डिड आई स्टार्ट माय यूट्यूब चैनल? So it is a very clear reason which I am gonna tell you, that actually I wanted to pursue public speaking. I was so very passionate about public speaking that I wanted to do it at any cost. अब मेरे पास problem क्या थी कि मुझे ये नहीं पता था कि मैं किस topic पे बोलूँ, मैं ऐसा क्या बोल सकता हूँ जिसपे लोग मुझे आके सुने and मुझे feedback दें. Then I realized a very important thing that यार मैं तो यार BITS Pilani में हूँ, मैं BITS Pilani Pilani campus में हूँ, in one of the top branches with which almost everyone aspires for. So क्यों ना मैं YouTube के थ्रू अपनी पब्लिक स्पीकिंग को भी परस्यू करूँ और साथ साथ में जो भी BITSET के एस्पिरेंट्स हैं, जो BITSET को क्लियर करके क्रैक करके BITS Pilani में आना चाहते हैं, उनकी भी हेल्प करूँ. सो बेसिकली दिस वॉज द वेरी रीजन दैट आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल. सो टॉकिंग अबाउट माई मोटिव बिहाइंड यूट्यूब चैनल, आई फेल्ट दैट आई कुड रियली यू नो हेल्प पीपल विद द नॉलेज आई हैव अक्वायर्ड इन द पास्ट यू नो 2-3 years. सो आई had the desire to teach and then you know also the heart to help others. So that was the main motivation, and the other one was a really good motivational push from Ayush Rati, which also helped. His support was really a great factor. Do you think that you can teach better than your professor? Okay, for this year I would not like to compare myself with my professors. Obviously they are trained enough, unki educational qualifications alag hain, but main ye bolungi ki jitna bhi main bachcho ko padhati hu it's all from my heart. Jo bhi mujhe pasand hai, I'm passionate about teaching, so jo bhi hai yaar wo main best karne ki koshish karti hu. You think that you can teach better than your college teachers? Yaar college teachers
एकदम जनरलाइज तो नहीं करूंगा कि सबसे बेटर पढ़ा लूं, बट हाँ 99% ऑफ द कॉलेज टीचर से मैं बेटर पढ़ा लूंगा, कुछ थोड़े बहुत निकल सकते हैं जो मेरे से भी बेटर हो। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एक्सप्लेनेशन क्वालिटी की, स्किल्स की, टीचिंग स्किल्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ। कॉलेज के जो टीचर्स है उनका जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर स्किल्स की बात करें, टीचिंग स्किल्स की बात करें, तो आप लोगों को पता है, यहाँ पे मेरे बोलने की जरूरत नहीं है, जो भी लोग एक्सपीरियंस करें उनको पता है कि टीचिंग के मामले में वो थोड़े से कच्चे दिखते हैं जनरली, लेकिन ऐसे भी टीचर्स हैं कॉलेजेस में भी, जरूर होंगे, मैंने नहीं देखा बट जरूर होंगे, जो बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हो। हाँ यार, मैं अपने टीचर्स से बेटर पढ़ा सकता हूँ मुझे ऐसा लगता है, बट यार उनके पास हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है और उनकी एज भी हमसे ज़्यादा है, तो उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। डू आई थिंक दैट आई कैन टीच बेटर देन माय कॉलेज टीचर्स, बट सम ऑफ देम यस आई फील सो, बट इन that's a, you know, relative term to what teachers we are talking about. Some are, you know, not so good, and some are, you know, excellent because they have acquired a lot of knowledge and with a lot of practice and, you know, research. So obviously can't beat them at this stage, but hopefully one day I can. So this is actually a very very interesting question ki kya main apne teachers jo hain unse acha padha sakta hu jo college mein padhate hain. So basically yaar aisa mujhe andar se lagta hai ki yes I can definitely teach बेटर देन देम, बट आई डोंट नो देयर सिचुएशंस। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, हम इस एंड पर रह के स्टूडेंट ओरिएंटेड थिंकिंग को लेकर ये सोच नहीं सकते कि एक प्रोफेसर को या फिर एक टीचर को किस टाइप के चैलेंजेस को फेस करना होता है या फिर किस टाइप के प्रॉब्लम्स से कॉन्फ्रंट करना होता है। सो बैठ कर बोलना बहुत आसान हो सकता है कि यार मैं उनसे बेटर पढ़ा लूँ, बट एक्चुअल सिनेरियो तो तभी पता चलेगा जब आई वुड बी डायरेक्टली इन दैट शूज। तो आई डोंट थिंक इट वुड बी क्वाइट गुड टू जज their teaching skills and compare them with mine, but अगर आपको मैं जनरल बताऊं, so I'm very passionate about teaching also, so I think यार मैं अच्छा तो पढ़ा लूंगा का। तो यार अगर मैं बात करूँ कि मैं अपने कॉलेज के प्रोफेसर से अच्छा स्टूडेंट को पढ़ा सकता हूँ या नहीं पढ़ा सकता, तो यार एक ही वर्ड में बोलूंगा कि नहीं यार, हमारे कॉलेज के जो प्रोफेसर है काफी अच्छे हैं। IIIT के प्रोफेसर इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट प्रोफेसर में से एक माने जाते हैं, क्योंकि IIIT के जो प्रोफेसर होते हैं किसी भी IIIT काफी अच्छे होते हैं। तो यार ऑब्वियसली बात है, उनके सामने उनकी नॉलेज काफी ज्यादा है। अगर मैं उनके सामने आऊँ उनकी बात करूँ तो उनकी नॉलेज काफी ज्यादा नॉलेज है और इनका टीचिंग का तरीका काफी अच्छा है, और उनको बताया कि स्टूडेंट से कैसे बात करना है, काफी सालों से टीचिंग करवा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है यार उनको इस चीज में काफी नॉलेज है और काफी एक्सपीरियंस है। मगर मैं अगर यार अपनी बात करूँ तो मैंने जब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था या सेकेंड ईयर में था, तो मैंने 10th-11th क्लास के स्टूडेंट को मैथ्स करवाई थी, तो उनके साथ काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। स्टूडेंट्स ने कहा है कि काफी अच्छा मैथ्स करवाता हूँ मैं, तो हाँ यार मैं टीचिंग करवाता हूँ, मैं करवाता था पहले भी, और उस मामले में मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है, मगर कॉलेज के प्रोफेसर यार काफी अच्छे होते हैं। एज सच मैंने अभी तक ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि एक साल बाद क्या होगा। एक चीज कॉन्स्टेंट रहेगी कि मैं वीडियोस कॉन्टिन्यूसली डालता रहूंगा, उसके बाद सपोर्ट देखते हैं यार कैसा तुम लोगों का आएगा, और जिस तरीके का सपोर्ट आएगा उसके तरीके से ही हम अपने कंटेंट को शिफ्ट करते रहेंगे। चल वन ईयर फ्रॉम नाउ फोर्थ क्वेश्चन मेरे पास में है यार, वन ईयर नाउ का कुछ भी पता नहीं है अभी तो, क्योंकि कोरोना वायरस के चक्कर में अभी बच्चों को यही नहीं पता कि उनका एग्जाम कब होगा, तो मुझे भी नहीं पता वन ईयर नाउ में कहाँ पे होऊंगा। बस ये है कि ऑनेस्टी के साथ काम करते जा रहे हैं, जो भी हो जाए आगे, अगर चैनल और ज्यादा ग्रो हो जाए, अभी 50,000 पहुंचने को आया, एंड आगे जाके देखते हैं अगर 1,00,000 पहुंच पाए या फिर और आगे पहुंच पाए, देखते हैं क्या होता है, मैंने कुछ सोचा नहीं है, बट बस यही है कि अभी ऑनेस्टी के साथ काम करे जा रहे हैं, बाकी तो व्यूअर्स के ऊपर डिपेंड करता है कौन कितना सपोर्ट करता है, कितना शेयर करता है। वेयर डू आई सी माई सेल्फ फ्रॉम वन ईयर फ्रॉम नाउ? एज ऑफ नाउ आई प्रोबब्ली वुड बी प्रिपेयरिंग फॉर यू नो मास्टर्स एंड फॉर यूट्यूब, आई हैव नो सच प्लान्स फॉर वन ईयर। I usually keep short-term goals and, you know, keep reaching them one after the other soon, like 1 week goal or, you know, a month or something. So that is what which I usually concentrate at this time. Where do I see myself from 1 year now? See, I don't have any specific thing ki kahan main apne aap ko dekhti hun. Obviously, I want to be a professor in future. So mera bas ye hai ki main कुछ अच्छा करूँ लाइफ में। मैं ये देखना चाहती हूँ कि बच्चे मुझे कहीं ना कहीं एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कंसिडर करें, दैट वुड बी मोर देन एनीथिंग फॉर मी। मैं यार ये नहीं सोचता कि मैं एक साल बाद कहाँ हूँगा, इनफैक्ट मैं बस छोटे छोटे गोल्स बनाता हूँ दैट व्हाट आई हैव टू डू इन द वेरी नेक्स्ट डे, कल के दिन में मुझे क्या करना है एंड व्हाट कैन आई डू टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, एज क्लीशेड इट मे सीम्स। बट मेन फोकस यार मेरा ये रहता है कि मैं शॉर्ट टर्म में कैसे अपने आप को इम्प्रूव करूँ और कैसे कुछ नया करता जाऊँ। लॉन्ग टर्म में ज़्यादातर मैंने ऐसा खुद एक्सपीरियंस करा है
इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि लॉन्ग टर्म में जो गोल्स होते हैं बहुत बार दे गेट हैम्पर्ड बिकॉज ऑफ द यू कैन से इनबिल्ट एंड इन बिटवीन चैलेंजेस विच कम. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसके कारण हम लॉन्ग टर्म वाले गोल्स को उतने अच्छे से आप कह सकते हो क्रैक नहीं कर पाते, बट शॉर्ट टर्म में अगर हम गोल बनाएंगे सो दैट्स अ बेटर चांस कि हम उन पर अमल भी कर पाएं और उनके जो रिजल्ट्स हैं उसके थ्रू हम एक बेटर पर्सन भी बन पाए, अपनी स्किल्स को भी डेवलप कर पाए. सो बेसिकली टू पुट इट इन अ नटशेल, आई हैव नॉट येट डिसाइडेड दैट व्हाट आई वांट टू बी वन ईयर फ्रॉम नाउ. सो टॉकिंग अबाउट यूट्यूब एज अ करियर, आई थिंक यस YouTube can be definitely pursued as a career, and in fact if one is capable of taking out business or taking out finances from any petty thing, to yaar YouTube fir kuch nahi hai. YouTube mein bahut zyada opportunities hai. Maine aise aise logon ko dekha hai that they are doing a startup of umbrellas. Wo yaar bas jaakar umbrellas bech rahe hain, fabricated umbrellas hain, decorated hai, unko thoda unique tarike se design kara hua hai, and they have been able to bring about a turnover of more than 10 crores in one month. यार जब एक छोटे से अम्ब्रेला से आप इतना बड़ा कुछ कर सकते हो देन यूट्यूब उसके सामने यार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी चीज़ है. इट इज़ फुल ऑफ कैपेबिलिटीज, इतना पोटेंशियल है यार यूट्यूब में कि यू कैन डेफिनेटली परस्यू इट एज अ करियर. थोड़ी बहुत आपको चैलेंजेस जरूर आएंगे स्टार्टिंग में, परसिस्टेंस का खेल है. जितना लंबा आप जाओगे 4-5 साल हो सकता है आपको लगे, बट जितना लंबा आप खेलोगे उतना बेनिफिट में आप रहोगे और उतना ही बड़ा आपका करियर हो जाएगा यूट्यूब से. YouTube, फिफ्थ क्वेश्चन मेरे पास में यहाँ पर है कि YouTube एज अ करियर ऑप्शन, ठीक है, तो YouTube को करियर ऑप्शन की तरह मैं देखता हूँ लेकिन लॉन्ग टर्म में, ठीक है, लेकिन आपके पास में बैकअप्स भी होने चाहिए. YouTube से आप करियर बना सकते हो, बहुत बढ़िया बना सकते हो, लेकिन कई बार होता है यार बड़े बड़े चैनल्स के वीडियोज डिलीट हो जाते हैं, बड़े बड़े चैनल्स के चैनल्स डिलीट हो जाते हैं. तो अगर आप पूरा डिपेंड होगा यूट्यूब के ऊपर में, कभी आपको मान लो कुछ ऐसा आपने गलती से कर दिया जिसकी वजह से आपका चैनल डिलीट हो गया, ठीक है, तो आपके तो लग गए. तो ऐसे केसेस में आप क्या करो, यूट्यूब पे आप डिपेंड हो. यूट्यूब एक लॉन्ग टर्म गेम है. जैसे आप अरिंदम को ही देख लो, इस चैनल को आप लोग देख लो, अरिंदम रॉय चौधरी को, तो ये कब से वीडियो डाल रहा है, जब मैं कॉलेज में था इसके साथ में, ठीक है, तो तब से ये वीडियो डाल रहा है. और शुरू में चैनल ग्रो नहीं होता है किसी का भी, तो इसने बहुत एफर्ट डाला, उसके बाद में धीरे धीरे अचानक से हिट करना स्टार्ट किया. तो वो जो 6 महीने 7 महीने 8 महीने वीडियो डालते रहना है वो एक बड़ी चीज होती है. स्टार्टिंग में एक दो वीडियो डाल के डिमोटिवेशन हो जाता है, इसको भी होता था, लेकिन इसने फिर बाद में कंटिन्यू करा उस चीज को. उसी तरीके से YouTube इज अ लॉन्ग टर्म गेम. अगर आपको लॉन्ग टर्म में उसमें करियर हासिल करना है तो आपको करते रहना पड़ेगा और दिमाग लगाते रहना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जाके आपका चैनल जरूर हिट करेगा. यूट्यूब की बात करते, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इतनी अच्छी ऑडियंस है और आप अपना यहाँ पे टैलेंट शो कर सकते हो, लोगों को कुछ सिखा सकते हो. तो यार अगर मैं बात करूँ इसको एज ए कैरियर ऑप्शन लेके चलने की, तो यार इसे पार्ट टाइम कर सकते हैं, लेकिन इसे फुल टाइम पूरा देना इतना सही नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप बड़े बड़े क्रिएटर्स को भी देखें, जैसे टेक्निकल गुरुजी को भी अगर आप देखोगे, तो वो भी इसे पार्ट टाइम की तरह ही करते हैं. तो मैं ये कहूँगा कि इसको आप फुल टाइम नहीं दे सकते, आप इसको पार्ट टाइम की तरह इसको लेके आगे जा सकते हो. अभी मेरा कोई यूट्यूब को फुल टाइम बनाने का बिल्कुल प्लान नहीं है, अभी सिर्फ 4000 समथिंग सब्सक्राइबर्स हैं, बट अगर आगे अच्छा चला, वैसे मेरा जो प्लान है वो यही है कि मैं जॉब के साथ साथ यूट्यूब में अपनी लाइफ को भी शेयर करता रहूं और जॉब से पैसा भी कमाता रहूं, क्योंकि एक परमानेंट सोर्स भी जरूरी होता है. यूट्यूब एज अ करियर ऑप्शन, वेल इफ नथिंग एल्स क्लिक्स, आई हैव अ प्लेटफॉर्म हियर व्हिच आई हैव बिल्ट, सो दैट शुड वर्क. एंड सो यार यूट्यूब एज अ करियर ऑप्शन, मेरे हिसाब से यूट्यूब एज अ फुल टाइम करियर ऑप्शन, और कह सकते हो कि मेरे हिसाब से आई वुड नॉट प्रेफर दिस, जस्ट बिकॉज कि मेरा केवल यूट्यूब ही एम नहीं है. आई लाइक टीचिंग, सो दैट इज़ वाई मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया, ताकि मैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक रीच कर सकूँ. और यूट्यूब मैं कभी छोड़ूंगी नहीं, बट कभी मैं इसको फुल टाइम नहीं कंसिडर करूँगी, मुझे सामने भी प्रोफेसर की तरह बच्चों को पढ़ाना है, सो दैट इज़ माई एम. सो आई नो अरिंदम, लाइक मैंने अरिंदम की कुछ वीडियोज़ देखी थी, मेरे सजेशंस पे आए थे, एंड देन आई क्लिक्ड अपॉन द वीडियो, और वीडियो देखने के बाद आई रियली लाइक्ड हिज वीडियोज़. अभी कुछ टाइम ही हुआ है, लाइक हार्डली 1 month की मेरी अरिंदम से बात हुई थी. मैं उसकी वीडियोज़ देख रही थी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा उसकी वीडियोज़ देख के, देन आई स्टार्टेड फॉलोइंग हिम, एंड देन हमारी बात होनी शुरू हो गई. अरिंदम ने, सिंस व्हेन डू यू नो अरिंदम, तो अरिंदम और मैं दोनों कॉलेज में साथ में पढ़ते थे. मेरा जो रूममेट था सुनील साहू, जिसके वीडियोज़ मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे, ट्रू स्टोरी के अंदर में सुनील साहू करके एक कैरेक्टर था,
तो वो मेरा रूममेट था और ये उसी के ब्रांच का है, उसी का ये बेस्ट फ्रेंड था, तो म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मेरी इससे कॉन्टैक्ट हुई थी एंड उसके बाद में मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया था कॉलेज के अंदर में। फिर उसके बाद में थर्ड ईयर में आके मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर लिया, तो ये अभी कॉलेज में ही है और मैं कोटा चला गया, कोटा में अपने कोचिंग इंस्टीट्यूशन मैंने स्टार्ट कर ली, तो वहाँ से अब काफ़ी टाइम हो गया, हम लोग 6-7 महीने से मिले नहीं हैं, बट कॉलेज में हम लोग बहुत ज़्यादा करीब हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा हम लोग साथ में घूमते फिरते थे और डेली का होता है ना एक डिनर पार्टनर, तो डिनर पार्टनर ये था मेरा, रोज रात को साथ में खाना खाने जाते थे। सिंस व्हेन डू आई नो अरिंदम? Arindam, I know him from past, you know, 1.5 years, I would say. Really, really amazing person and with lot of excellent people skills, which I truly admire him and would want to learn also. And that is really one great thing. तो यार मैं अरिंदम को कैसे जानता हूँ? अरिंदम की वीडियो मैंने जनवरी के लास्ट वीक में या शायद फरवरी के फर्स्ट वीक में देखी थी, उस टाइम पे आसपास में देखी थी। तो अरिंदम की वीडियो मैंने देखी जेईई मेंस रिलेटेड, तो फिर पता लगा इनका एक चैनल है और मैंने उनसे अप्रैल के टाइम पे मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया था कि कॉलैब करते कॉलेज की वीडियो, हमारी एक सीरीज है कि स्टूडेंट के कॉलेज, कोई भी कॉलेज का स्टूडेंट होता है तो उससे बोलते हैं कि अपने कॉलेज के बारे में बताओ, स्टूडेंट रिव्यू की सीरीज है। तो मैंने कहा कि एक कॉलैब कर लेते हैं और उसी के साथ मैंने उनसे NIT 3 की स्टूडेंट रिव्यू वीडियो बनवाई, तब मुझे उनसे बात करने का मौका मिला, बातचीत हुई, फिर हमारी दोस्ती अच्छी हो गई। तो ऐसे ही मैं अरिंदम को जानता हूँ। यार मैं पहले भी बता चुका हूँ, अरिंदम भाई के साथ मैंने कुछ 3 महीने पहले कोलैबोरेशन वीडियो करी थी, उसके अंदर अभी अराउंड 8,000-8,500 व्यूज हो चुके हैं और यार वो काफी अच्छी हमने कोलैब करी थी और तब से ही मैं अरिंदम भाई को जानता हूँ। तो मैं यार अरिंदम भैया को ऑलमोस्ट 1 साल से जानता हूँ, आई थिंक वी मेट लास्ट ईयर ऑन यूट्यूब ओनली। इन्होंने मेरी एक वीडियो पे कुछ कॉमेंट करा था दैट आई एम अ फेलो यूट्यूबर फ्रॉम NIT 3G, तब मेरे अराउंड 200 सब्सक्राइबर्स थे और अरिंदम भैया के कुछ 500 के आसपास सब्सक्राइबर थे, तो हम लोग तब से जानते हैं। फिर हमारी इंस्टाग्राम पे बातचीत हुई, देन वी कॉन्टेक्टेड ईच अदर थ्रू व्हाट्सएप, तो ऑलमोस्ट 1 साल हमें हो चुका है एंड इट हैज बीन अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। काफ़ी अच्छे हैं यार भैया, मतलब उनका एक्सपीरियंस लेवल, जो हार्डवर्क है, जो एफर्ट है ना, दैट इज क्वाइट एडमायरेबल एंड दैट इज क्वाइट कमेंडेबल। हमारे पास में 7th क्वेश्चन हमारे पास में है कि एनी सजेशंस फॉर अरिंदम एआरसी कम्युनिटी। यार एआरसी कम्युनिटी के लिए सजेशंस एज सच कुछ है नहीं, बिकॉज सजेशंस उनको दिया जाता है जिनको सजेशंस की जरूरत हो, ठीक है। तो चैनल आपका ऑलरेडी ग्रो हो रहा है, एआरसी कम्युनिटी ऑलरेडी ग्रो हो रही है, ठीक है। तो जो चीज कर रहे हो उसको करते चलो, बस हमेशा सब्सक्राइबर्स के साथ ऑनेस्ट रहो, हमेशा कम्युनिटी के साथ ऑनेस्ट रहो, ठीक है। एंड बस यही है कि गलती से भी, बहुत बार होता है हम बहक जाते हैं, गलती से भी कभी भी अपने सब्सक्राइबर्स को यू नो झूठ नहीं बोलना, कभी भी उनको मिसगाइड नहीं करना किसी भी रीजन से भी। और कम्युनिटी को भी यही है कि कभी अरिंदम से कुछ गलती हो जाए तो भी उसको सपोर्ट करना जैसे आज तक करते आए हो, क्योंकि जैसे जैसे चैनल ग्रो होता है वैसे वैसे हेटरेड बढ़ती रहती है, तो अगर आप लोग सपोर्टर्स नहीं बढ़ेंगे तो फिर हेटरेड दिखने लग जाएगी। तो आपको सपोर्ट इतना ज़्यादा तगड़े लेवल पे करना है सबको कि जो हेटरेड है वो कम दिखने लगे, ठीक है। बस ये छोटी सी सजेशन है कि जो चल रहा है उसको चलाते जाओ, डोंट स्टॉप, ठीक है। एट दी एंड एक ही सजेशन है, डोंट स्टॉप एंड बी ऑनेस्ट, जैसे आज तक रहे हो वैसे आगे भी ऑनेस्ट रहना, ठीक है। और सब्सक्राइबर्स को, ARC कम्युनिटी को यही एक रिक्वेस्ट है कि ऐसी सपोर्ट बनाए रखना। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद अरिंदम को मेरे को इस वीडियो में पार्ट में रखने के लिए, बने रहिए यार। अरिंदम भाई के लिए यार सिर्फ एक ही सजेशन है, जो तुम्हारे ओपिनियंस है, जिस तरीके से तुम सबके सामने अपने ओपिनियंस को रखते हो बिना किसी से डरे हुए, बिना किसी के कमेंट्स का डर करते हुए, बस उसी तरीके से आके अपने ओपिनियंस देते रहो। क्योंकि जब कोई बंदा यूट्यूब पे आके अपने ओपिनियन सबके सामने रखता है और एक प्रेडिक्शन करता है या कुछ भी करता है और पूरे दम से करता है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करता है, तो जो वीडियो देख रहा होता है उसके अंदर भी अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। तो बस यही सजेशन है कि ये कंटिन्यू रखो, ये ग्रोथ अभी तो यार सच बताऊँ कम हुई है और ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। चलो बाय। सजेशन यार ऐसे तो कुछ नहीं है, बट जस्ट अ स्मॉल थिंग जो मैं बोलना चाहूंगा, अरिंदम भैया आपका एक खुद का एक ऑरा है, एक पर्सनैलिटी है, एक माइंडसेट है, जिस तरीके से आप काम करते हो, जो आपके वर्क एथिक्स हैं, जो आपके अंदर से मोटिवेशन है, जो आपको भी मोटिवेटेड रखता है, बाकी सब लोग भी आपको देख के मोटिवेट हो जाते हैं। जैसे कभी कभी मैं भी आपकी वीडियो देखता हूँ, देन इट इंस्पायर्स मी अ लॉट, इसको मेंटेन करिएगा। सो अरिंदम के लिए सजेशंस मेरी तरफ से यही रहेगा कि बस वो करता रहे जैसा वो कर रहा है, ही इज़ डूइंग रियली वेरी नाइस, ही हैज़ बीन एन इंस्पिरेशन फॉर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, कीप डूइंग बॉय। और आई होप बहुत 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 जल्दी मैं ये सब 50K वाले Q&A के लिए भी बोल रही हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। सजेशंस फॉर ARC कम्युनिटी विल श्योरली
One thing is, you know, a bit more of educational videos, you know, probably teaming up with someone should work. I hope you can do that someday. And, you know, educational videos which, you know, like literally teaching. So those will stay, and then they will be seen. I mean, they'll be watched by students for, you know, for the foreseeable future. So that is one thing which I would really like to say. I mean, it's completely obvious. Like, at present, your channel is doing really great and really, really happy about it. A big thumbs up to all the work you have done. Amazing consistency with a lot of videos. I myself stand at 5,000 subscribers, but you know, I would like to even be more consistent, as you know, Arindam. Really great job. Again, thank you for getting me on your platform. Really happy. And then again, congratulations for 10k subscribers. Goodbye. अरिंदम ऑलरेडी यूट्यूब पे काफी मेहनत करते हैं, क्योंकि 3 वीडियो पर डे निकालना कोई जोक नहीं है, कोई मजाक नहीं है, और ये काफी दिखाता है कि आप कितना मेहनती बंदा है अरिंदम। और मैं बस एक यही सजेशन देना चाहूंगा यार, कि इसी तरह से रेगुलरली वीडियो डालते रहो, ऐसे अच्छे कंटेंट निकालते रहो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर 20k सब्सक्राइबर, कि आपके जल्द से जल्द 20k सब्सक्राइबर्स हो, और कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 10k।